हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लाइटिंग एंड उसकी पावर, जिसको यूज करके यू कैन मेक अ वीडियो जो कुछ कुछ ऐसी लगती है इनटू समथिंग लाइक दिस। चलो सीखते हैं कैसे किया हमने ये। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से, सारी लाइट्स ऑफ करते हैं ताकि हम एक एक करके कंट्रोल कर पाए हम कौन सी लाइट को कैसे यूज करना चाहते हैं। इसको ऑफ करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो ये बैकग्राउंड की लाइट्स हैं उनको भी ऑफ कर देते हैं। इनको अभी के लिए मैं ऐप से ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसी वीडियो है और इसी के साथ ज्यादातर लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी के साथ हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। पर ताकि आपको ये पूरी वीडियो ज्यादा अंधेरे में ना देखना पड़े, मैं ISO बढ़ा रहा हूँ अपने कैमरे का। तो मान लेते ये हमारा स्टेप जीरो है। ज्यादातर लोग जब अपना फोन या कैमरा ऑटो मोड पे रखेंगे कमरे में ऑन करके, कुछ ऐसी ही आपकी वीडियो लगने वाली है। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू सी अगर हम इस वीडियो में लाइट कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मेरी बात मानोगे, और अगर बिजली का बिल बचाना चाहते हो और महंगी लाइट्स नहीं खरीदना चाहते, तो डेफिनेटली सूरज को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ एंड यूज अ विंडो, यूज नेचुरल लाइट। दिखाता हूँ व्हाट आई मीन। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा है एंड हम और लाइट्स ऑन कर सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट थिंग टू डू इज इतने बड़े जो पर्दे हैं अगर हम इनको खोल दें तो पूरे कमरे में ही कितनी सारी लाइट आ जाती है। एज आई सेड, सूरज को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। तो भाई हमारे फ्री के सूरज ने इस पूरे कमरे को और मेरे को बहुत अच्छे से लाइटिंग कर दी है एंड काफी लोगों के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन हो सकता है, पर इसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। सबसे पहले जब आप बिल्कुल सामने से लाइटिंग करते हो, इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। एक तो सब कुछ बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कोई डेप्थ नहीं रहती। दूसरा, अगर आप चश्मे पहनते हो मेरे जैसे, तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है। अब इससे बचने के एक दो तरीके हैं। सबसे पहले, सबसे सिंपल तरीका यह है कि हम लाइट को सामने नहीं रखेंगे, बट इनफैक्ट थोड़ा खुद को एंगल कर लेंगे ताकि लाइट साइड से आए। तो हम इस डायरेक्शन में फेस करेंगे कैमरा को इधर मूव करके। अब कुछ इस तरीके से आप अपने चश्मे में रिफ्लेक्शंस अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हमारी लाइट हमारे साइड में है और बिल्कुल सामने नहीं। और इस सेटअप को यूज़ करके थोड़ा सा फेस पर डेप्थ भी आता है, बिकॉज एक साइड थोड़ी ज़्यादा लिट है और थोड़ी एक साइड डार्क है, तो ये थोड़ा डेप्थ आता है, थोड़ा ड्रामा आता है एंड दिस लुक्स गुड। आप डेफिनेटली नेचुरल लाइट को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप नेचुरल लाइट नहीं यूज़ करना चाहते या नहीं यूज़ कर सकते, तो लेट्स सी हाउ यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल लाइट्स टू मेक योर वीडियोज लुक बेटर। बट टेंशन मत लो भाई, आर्टिफिशियल लाइट्स का ये मतलब ये सारी बड़ी बड़ी महंगी महंगी लाइट्स बताने वाला हूँ। भाई बजट ऑप्शंस भी बताऊंगा और ऐसे ऑप्शंस भी बताऊंगा जहाँ से आप खरीद सकते हो, जिससे आपको बेस्ट प्राइस पे मिल जाए ये चीज़ें। क्योंकि भाई हम लोग इंडियंस हैं, हर रुपी मैटर करता है। हम तो तब तक सब्जी भी नहीं खरीदने वाले जब तक सब्जी वाले से 20 रुपए के लिए लड़ ना लें। बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा क्यों नहीं? इमेजिन करो ऑनलाइन शॉपिंग करने के भी हमें रिटर्न्स मिले। व्हाट इफ आई टेल यू ये पॉसिबल है? और अमेज़न, मिंत्रा, फार्मीजी, मैकैफीन और 1500 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स से आपको रिटर्न मिल सकता है व्हेन यू शॉप ऑनलाइन यूजिंग एन अमेजिंग शॉपिंग ट्रिक, कैश करो। कैश करो ऐप पे सारी डील्स पे आपको मिलता है रियल कैश बैक। सुनने में अमेजिंग लग रहे हैं राइट? लगेगा ही, रतन टाटा सर ने खुद इसमें इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में सर्च फॉर द ऐप एंड डाउनलोड इट, और वहां मेरा कोड यूज कीजिए। अगर आप साइन अप कोड AKS25 यूज करोगे तो आपको शुरू में 25 रुपीज का बोनस मिलेगा पक्का। अब सेकंड स्टेप, जो भी वेबसाइट पे आप शॉपिंग करना चाहते हो उसको सर्च करो, जैसे कि मैं Amazon यूज करना चाहता हूँ, और वहां सिंपली जाके एक्टिवेट कैशबैक के बटन पे क्लिक कर दो। सिंपली जैसे शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो और पे कर दो। अब आपकी शॉपिंग का सारा कैशबैक कैश करो कि माई अर्निंग्स टैब में आ जाएगा। अब आप इस कैशबैक को अपने अकाउंट में डाल सकते हो या फिर इसके Amazon वाउचर्स भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अभी जाओ डाउनलोड करो, और साथ साथ में सुनो एक गिव अवे भी चल रहा है। सिंपली ऐप डाउनलोड करने के बाद एक छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन कर दो एंड आप में से किसी एक इंसान को मिलेगा बोट का ब्लूटूथ हेडफोन्स, और आप में से 10 लकी विनर्स को मिल सकते हैं Amazon की गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹200। तो इस वीडियो के बाद चाहे आपको कोई लाइट खरीदनी हो या कुछ भी खरीदना हो, बी श्योर टू ट्राई कैश करो। अब देखो लाइट्स की बात हो ही रही है, और अगर आर्टिफिशियल लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड हमारे पास है क्या क्या। अब मैं जिस कमरे में हूँ और आप जिस कमरे में हो उसमें कोई तो ट्यूबलाइट, कोई तो CFL बल्ब लगा ही होगा। सबसे पहले लेट्स ट्राई वर्किंग विद व्हाट वी हैव। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कमरे में 2 ट्यूबलाइट्स हैं, एक इधर और एक बिल्कुल मेरे सामने इधर। ये वो लाइट है जिससे अभी मैं खुद को लाइट कर रहा हूँ, और सिंपली अगर मैं इस एक ट्यूबलाइट को ऑन करूँ तो आप देख सकते हो मैं काफ़ी ठीक ठाक लग रहा हूँ एंड इट्स नॉट बैड। बट सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड ऑन वन थिंग, ये वीडियो थोड़ी येलो है फॉर माई लाइकिंग,
तो हम सबसे पहले तो चाहे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कैमरे यूज़ कर रहे हैं, अपना वाइट बैलेंस सेट करेंगे। आपके घर में चाहे वाइट लाइट हो चाहे येलो लाइट हो, कोशिश करो कि वाइट बैलेंस उसको सही तरीके से करो। इसको वाइट बैलेंस करके आता हूँ मैं, वाइट बैलेंस करना नहीं सिखाने वाला, बट लेट्स डू दैट। तो अभी मैंने अपने कैमरे की वाइट बैलेंस सेटिंग्स छेड़ दी हैं एंड आई फिक्स्ड इट काइंड ऑफ, एंड आई जस्ट थिंक मैं थोड़ा ब्राइटर करूँगा इसको, एंड अभी जो लुक आ रहा है मेरे हिसाब से ठीक है, इट्स नॉट बैड। एंड अगर मैं पीछे वाली ट्यूबलाइट ऑन करूँ, कीप इन माइंड कि मैं जो देख रहा हूँ येलो देख रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ वाइट बैलेंस आपको वो काफ़ी हद तक वाइट लगेगी। एंड ये मेरा दूसरा टिप है, जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत सारी लाइट्स है सारी मत ऑन करो। जैसे ये फ्रेम में अभी ये लाइट बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है, तो वील जस्ट कीप दिस वन लाइट। बट जैसे कि मैंने बोला, लाइट को यूज़ करना भी आना चाहिए। अभी लाइट बिल्कुल सामने से आ रही है ना, मेरी रिफ्लेक्शन में देख सकते हो, इवन दो लाइट थोड़ी हाइट पे है इसलिए रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत फ्लैट लुक आ रहा है एंड मुझे ये लुक इतना पसंद नहीं। तो हम इस लाइट को थोड़ा क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। समथिंग एज सिंपल एज, जैसे मैंने बोला, लाइट को अपने साइड में रखना कैन हेल्प अ लॉट। अभी हम यही करने वाले हैं और हमारे छोटे से स्टेप करने से ही लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है एंड ओवरऑल वीडियो की पूरी आई थिंक फील बदल चुकी है। नंबर वन, मेरे पास एक डार्क बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, प्लस एक साइड थोड़ा डार्क है एक लाइट है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। उसी के साथ अब मैं अगर चाहूँ दूसरी लाइट भी ऑन कर सकता हूँ क्योंकि अब वो फ्रेम में नहीं दिखेगी। तो अगर अब देखें तो दोनों साइड से मेरे पे लाइट आ रही है अब, एंड कुछ लोगों को ये शायद ज़्यादा अच्छा लगे बिकॉज ज़्यादा इवनली लिट है। मुझे पर्सनली थोड़ा वो डार्क लुक पसंद है तो मैं एक लाइट ऑफ ही रखूँगा। बट क्योंकि आपकी वीडियो है, आपका मूड है, अलग अलग लाइटिंग से अलग अलग मूड आता है, अलग अलग फीलिंग आती है, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू फाइंड इट फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि महंगी महंगी लाइट्स आप खरीद सकते हो, बट अगर आप अपने कमरे में थोड़ी CFL या ट्यूबलाइट्स ही लगा दो जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, जस्ट पुट अ फ्यू मोर, थोड़े अपने कमरे में इधर उधर एंगल्स पे लगा दो, देखो क्या एंगल आपको पसंद आ रहा है, और अगर वहाँ दीवार खाली है जस्ट पुट अ ट्यूबलाइट। ये चीज़ 100-200 रुपये से भी कम में आती है एंड बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। अभी आपके सामने जो ये पूरा सीन है सिर्फ एक ट्यूबलाइट से लाइट किया है मैंने, और धीरे धीरे आप अपना बजट बढ़ा सकते हो और ज़्यादा लाइट्स खरीद सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस सीन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँ तो मेरे पास विप्रो की RGB लाइट्स जो बेसिकली ट्यूब लाइट्स हैं बट वो RGB हैं, वैसा कुछ यूज़ करके मैं इस सेटअप को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ देखो। और बेसिकली इसी तरीके से ये पूरे सेटअप की वाइब बदल गई, पूरा लुक बदल गया एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। अब जो ये RGB ट्यूबलाइट्स हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनकी प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है बट कंपेयर टू एनी अदर लाइट ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। अब देखो इस पूरे सेटअप में एक बेसिक कमरे की ट्यूबलाइट यूज़ हो रही है, एक ये RGB ट्यूबलाइट यूज़ हो रही है और एक RGB ट्यूबलाइट इधर है। आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हो, आप बेसिकली ऐसी ही एक ट्यूबलाइट पे जेल लगा सकते हो, या फिर मैंने वीडियो बनाई है 100-200 रुपए की भी नॉन RGB बट कलर्ड ट्यूबलाइट्स आती हैं। लाइट को यूज़ करना सीखो, सिंपली ऐसा एक सेटअप 500 रुपए के अंदर अंदर बन सकता है। थोड़ा टाइम लगाओ, जहाँ भी आप अपनी वीडियोज बनाते हो सोचो कि ज़्यादा दीवार पीछे कहाँ है, कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग सकता है, एंड विद दैट आप लाइटिंग को कंट्रोल करना सीख सकते हो। बट थोड़ा एडवांस कुछ देखते हैं। अभी मेरे पीछे जो लाइट है इज एक्चुअली अ प्रोफेशनल वीडियो लाइट बाय गोडॉक्स। गोडॉक्स इज अ कंपनी जो काफ़ी लाइट्स बनाता है, बहुत सारी कंपनीज हैं बट काफ़ी पॉपुलर है गोडॉक्स, एंड ये गोडॉक्स ही SL60W है, वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर लाइट्स और बहुत यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। पर ये चीज़ हमें अलाउ करती है लाइट को अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए, एक बड़ी सॉफ्ट लाइट बनाने के लिए। तो लेट्स सी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो वीडियो चल रही है इसमें अभी भी हम ये ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं और पीछे वो लाइट्स तो ऑन ही हैं, बट अब आई एम गोइंग टू स्विच टू दिस लाइट सारी सेटिंग्स बदल के। तो यहाँ मैंने कैमरे की सेटिंग्स बदली है, मैंने वाइट बैलेंस बदला है ताकि हमारा अब येलो लाइट नहीं वाइट लाइट के लिए सेट है, इसलिए कलर पीछे ब्लू का थोड़ा फर्क हो सकता है बिकॉज जो आपको पहले ब्लू लग रहा था वॉज एक्चुअली मोर ऑफ अ ग्रीन, एंड बेसिकली दिस इज वॉट वी वर्किंग विद। अब बिकॉज हम एक लाइट ऐसी यूज़ कर रहे हैं इस पर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स है। सबसे पहले तो हम इसको ब्राइटर या डार्कर कर सकते हैं, मतलब ब्राइट या लेस ब्राइट, अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर रहा हूँ, वी डोंट नीड दैट, एंड अगेन रिमोट से ही इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। एक और एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइट लाइक दिस इज कि शटर स्पीड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फ्लिकर नहीं आएगी चाहे वीडियो में कुछ भी कर लूँ मैं, एंड हम इस पॉइंट पर रख सकते हैं इस लाइट को। एंड कीप इन माइंड आप चाहे रिंग लाइट यूज़ करो, आप ट्यूब लाइट यूज़ करो, आप
सूरज को यूज़ करो, लाइट को यूज़ करना आना चाहिए, डायरेक्शन देना आना चाहिए। अभी मैंने इस लाइट को इस तरीके से सेटअप किया है ताकि पीछे लाइट ना जाए, तो अगर मैं लाइट ऑफ भी कर दूं तो बैकग्राउंड पे ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे पे फर्क पड़ेगा। और इसकी वजह से मैं अपनी लाइटिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ और हर चीज़ को वीडियो में अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं चाहूँ कि कोई बैकग्राउंड का कलर बदल दूँ मैं टू अनदर कलर, मे बी रेड, तो रेड भी अब अच्छे से पीछे रेड हो पाएगा क्योंकि मेरी लाइट, मेरी मेन लाइट उस पर नहीं जा रही और उसको ख़राब नहीं कर रही। यहाँ पे एक और टिप ये ज़रूर देना चाहूँगा कि ऑलवेज़ ट्राई करो कि आपके और आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो ताकि आपकी लाइट्स इंडिविजुअली कंट्रोल हो पाएँ। अगर मेरी कोई बैकग्राउंड लाइट है वो सिर्फ बैकग्राउंड पे फ़र्क पड़ेगा, मेरी कोई लाइट मेरे पे है तो सिर्फ मेरे पे फ़र्क पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो मेरे सामने बिल्कुल लाइट है और यहाँ पे मैं एक दीवार से चिपक के खड़ा हुआ हूँ। ये एक वाइट वॉल है, पूरी तरह सफ़ेद दीवार है, बट क्योंकि मैं भी इसी लाइट से लाइट हो रहा हूँ, मैं भी बराबर लाइट हो रखा हूँ और दीवार भी, तो काफ़ी बोरिंग लग रहा है ये। बट हम एक छोटी सी चीज़ करने वाले हैं, हम इस दीवार से दूर जाने वाले हैं। अब हम लगभग 2-3 कदम दीवार से उस तरफ आ चुके हैं, दीवार और मेरे में थोड़ा ज़्यादा गैप है अब, और आप देख सकते हो थोड़ा सा दीवार अब डार्क हो गया है। बट अभी भी जो हमने बात की थी लाइट को सामने से नहीं लाना, द मोमेंट वी डू दैट हम इस लाइट को इधर मूव करने वाले हैं ताकि लाइट सिर्फ हम पे आए और पीछे कम से कम जाए। सी व्हाट हैपेंस। तो अभी मैंने लाइट बिल्कुल साइड में रखी हुई है बट अभी भी दीवार पे जा रही है ये। आई एम जस्ट गोना टर्न दिस थोड़ा सा, यू गोना टर्न दिस दैट वे, एंड अगर अब आप देखो जस्ट थोड़ा सा एंगल अगर हम बदलें तो पूरी वाइब बदल गई है इस वीडियो की। थोड़ा सा ISO कम कर देंगे हम। अब हमने ISO कम कर दिया एंड वो पूरी जो वाइट वॉल थी इज नाउ लुकिंग लाइक अ ग्रे, अ डार्क ग्रे वॉल, और हम बेसिक लाइटिंग से एक काफ़ी क्रेजी लुक अचीव कर पाए हैं। इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, इस लाइट को हम पूरी तरीके से दीवार से दूर कर देंगे, तो अब लाइट उस डायरेक्शन में जा रहा है बट हम कैमरा इधर मूव कर देंगे एंड खुद यहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर आपको आइडिया लगे, लाइट बिल्कुल मेरे साइड में है, बहुत ज़्यादा मेरे साइड में, थोड़ा ग्लो करेगा, तो विल जूम इन एंड अब इफ़ यू शूट दिस वीडियो काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है ये, काफ़ी डार्क है पर वॉल कलर एकदम चेंज हो गया है। थोड़ी सी लाइट वापस ले आते हैं वहाँ पे, ये वही सेम वाइट वॉल है, प्रूफ के लिए ये लो भाई सेम वाइट वॉल है। सिर्फ लाइटिंग से हम कितना डिफरेंस कर पाए हैं लाइटिंग को कंट्रोल करने से। अब क्योंकि ये वॉल ऑलमोस्ट पीछे ब्लैक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, तो इसका एक और फ़ायदा है, अगर हम कोई बैकग्राउंड लाइट अब यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। तो अब अगर मैं बैकग्राउंड लाइट ऑन करूं तो पूरा बैकग्राउंड लाइट अप हो जाता है उसके साथ एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लुक आता है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा, लेट्स सी उसको यूज़ करके मैंने ये सेटअप कैसे लाइट किया है एंड कैसे आई मेड इट गो फ्रॉम समथिंग लाइक दिस टू समथिंग लाइक दिस। तो अगेन आई टर्न ऑफ द बैकग्राउंड लाइट्स एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ दिस लाइट। जैसे कि मैंने बात किया था लाइट को कंट्रोल करना सीखो, तो आई एम यूजिंग गोडॉक्स ये एक और फ्लेक्सिबल लाइट जो मैंने ओवरहेड रखी है, तो व्हेन आई टर्न दिस ऑन कुछ भी करके मेरी आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं आती बिकॉज लाइट ऑलमोस्ट एक ऊपर के एंगल से आ रही है। हर लाइट जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की है उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और भी कुछ ऑप्शंस, रिंग लाइट्स वगैरह के ऑप्शंस भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। बट इस लाइट को यहाँ ऊपर रखने के चक्कर में आई गेट एन इवन लाइटिंग ऑन मी, काफ़ी बराबर लाइटिंग आती है एंड कहीं पर भी ज़्यादा हार्श शेडोज नहीं आते एंड आंखों में भी रिफ्लेक्शन नहीं आता, बस थोड़ा सा ऊपर और आगे की तरफ है ये। दूसरी चीज़ जो मैंने करी इस पूरी लाइटिंग सेटअप के लिए, एक्चुअली थोड़ा सा रूम डिज़ाइन किया है एंड मैंने डिसाइड किया कि जो सबसे दूर वाली वॉल है मैंने अपना सेटअप इस तरीके से रखा है कि मुझ में और अपने बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ताकि डेप्थ आए, थोड़ा गहराई आए, एंड उस गहराई को और बढ़ाने के लिए मैंने एक डार्क बैकग्राउंड यूज़ किया है, ब्लैक रखा है ताकि थोड़ा ज़्यादा ऐसे कॉन्ट्रास्ट है। अब बिना कोई बैकग्राउंड लाइट्स के भी ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग मैंने वहाँ एक कोने में और वहाँ एक कोने में अपनी विप्रो की RGB लाइट्स रखी हैं, जो मैं अगर ऑन करूँ तो ऐसा कुछ लुक आता है, एंड अगेन उनको ऑन या ऑफ करने से मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मेरी इस लाइट से उन लाइट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
अगर मैं ये ऑफ करूँ सिर्फ मैं डार्क हो रहा हूँ, अगर मैं ये ऑन करूँ सिर्फ मैं लाइट अप हो रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है आपको मेरे वाली लाइट्स ही यूज़ करनी है, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ लाइट्स वर्क, अंडरस्टैंड करो कि लाइट कहाँ गिर रही है, कैसे गिर रही है एंड कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा सेटअप या इससे भी बेटर सेटअप आप इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, ऑल्सो बी श्योर टू चेक आउट कैश करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट मिस इट आउट, एंड सारी लिंक्स टू एवरी प्रोडक्ट भी वहीं आपको मिल जाएंगे। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठे मत रहो, जाओ प्रैक्टिस करो और चलो वीडियो बनाओ।